Hello everyone, welcome to my channel. If you're watching me for the very first time, then hi, I'm Vibha and I upload fashion, lifestyle and haul videos on my channel. Today's video is going to be a bag haul and all these bags I have shopped from Amazon. Seriously guys, these bags are really very affordable. It takes a lot of time to research a perfect bag in an affordable price because for me, bag is like a statement piece. इसलिए हमेशा आपको एक अच्छी क्वालिटी का बैग यूज करना चाहिए, भले ही आपके पास बहुत ज्यादा बैग्स ना हो, एक या दो ही हो, बट वो क्वालिटी वाइज अच्छे होने चाहिए. सो फॉर यू, मैंने अमेजोन से बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में बैग्स को शॉप किए हैं एंड गाइज दीज बैग्स आर रियली वेरी अफोर्डेबल. बिलो 399 की रेंज में मैंने इन सभी बैग्स को पिक किया है एंड आई थिंक अकॉर्डिंग टू देयर प्राइजेस सभी की क्वालिटी सुपर है. सुपर मतलब सीरियसली सुपर है गाइज, बिकॉज इतने कम प्राइस में बैग सर्च करना इज सीरियसली अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. सो होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा एंड अगर आप भी अच्छे बैग की सर्च में हैं तो मे बी आप इनमें से कोई प्रोडक्ट पिक कर पाएं. सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए गाइज, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो हिट द बेल आइकन नेक्स्ट टू इट सो दैट मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसका टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए. Now without any further delay, let's just jump into the video. Starting with the first product, which is this very beautiful dark brown color bag. You can see it's a sling bag and ये adjustable strap के साथ आता है. सो आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं. मैंने इसकी जो लेंथ है उसको शॉर्ट रखा है. आप चाहे तो इसे बड़ा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. यू कैन सी गाइस, कुछ इस टाइप का बैग है ये. इसका कलर बहुत ही ज्यादा प्रिटी है एंड फ्रंट में यहाँ पे ऐसा मैग्नेटिक क्लोजर दिया हुआ है. अंदर से यहाँ पे ऐसे दो कंपार्टमेंट दिए हुए हैं विद दिस जिप. यू कैन सी कुछ इस टाइप से अंदर से इसका लुक है. इसका जो स्पेस है वो भी काफी अच्छा है. सो मींस जो भी हमारे बेसिक स्टफ होते हैं वो हम इसमें इजीली कैरी कर सकते हैं एंड दो यहाँ पे कंपार्टमेंट दिए हुए हैं एंड एक कंपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे ऐसा स्मॉल सा पॉकेट भी दिया है. तो कुछ भी हम अपना इम्पोर्टेंट स्टफ इसमें कैरी कर सकते हैं. सबसे मेन थिंग इस बैग में, बैक साइड में भी ऐसे पॉकेट दिया हुआ है विद दिस जिप क्लोजर. सो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है. यू कैन सी गाइस, बैग कुछ इस टाइप का है. इसका कलर बहुत ही ज्यादा प्रिटी है एंड ये जो कलर है ये आप किसी भी आउटफिट के साथ अगर कैरी करेंगे इस टाइप के बैग को तो एकदम परफेक्ट लगेगा. आपको अगर कभी कुछ समझ में ना आए कि कौन सा बैग हमें चूज करना है आउटफिट के साथ तो आप आंख बंद करके इस बैग को सिलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ये कलर जो है ये हर आउटफिट के साथ अच्छे से चले जाता है. एंड यू कैन सी गाइज, इसका जो मटेरियल है वो लेदर काइंड ऑफ लग रहा है. बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का बैग लग रहा है गाइज देखने में. मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुई हूँ इस बैग से बिकॉज इसका जो प्राइस है वो ओनली आई थिंक मैंने 329 पे किया है बट इसमें मुझे शिपिंग चार्जेस भी पे करना पड़ा 50 रुपीज अराउंड. सो ओवरऑल मुझे ये 370 रुपीज का कॉस्ट किया है. 370 रुपीज में गाइज ये बैग सुपर्ब है. अगर आप कोई भी स्लिंग बैग सर्च कर रहे हैं तो आप आंख बंद करके इस बैग को पिक कर सकते हैं. ये बैग की क्वालिटी सुपर से भी ऊपर है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बैग विच इज दिस ऑफ वाइट मैक्रम बैग. यू कैन सी गाइज, इट्स अ स्लिंग बैग. यहाँ पे ऐसे ही स्ट्रैप्स दी हुई हैं. इट्स नॉट अ एडजस्टेबल स्ट्रैप. इसकी लेंथ कुछ इतनी है एंड फ्रंट से यहाँ पे ऐसा वुडन पैटर्न दिया हुआ है एंड देन कुछ इस टाइप से स्टाइलिंग की हुई है. मैग्नेटिक क्लोजर के साथ आता है ये बैग एंड ओनली सिंगल कंपार्टमेंट है इसमें. स्पेस बहुत ज्यादा नहीं है, अंदर से कुछ इस टाइप से है ये. इसका स्पेस बहुत नॉर्मल है तो हम बहुत ज्यादा इसमें स्टफ कैरी नहीं कर पाएंगे. इसमें ओनली बेसिक स्टफ ही आपका आ पाएगा लाइक मोबाइल एंड स्मॉल सा अगर वॉलेट है. बट क्वालिटी वाइज ये बैग बहुत ही सुपर्ब है गाइज एंड इट्स अ बोहो काइंड ऑफ बैग. सो अगर आप कहीं वेकेशन में बीच में जा रहे हैं या आप बहुत ज्यादा सामान कैरी नहीं करते हैं सो ओनली फॉर स्टाइलिंग पर्पज आप इस बैग को यूज कर सकते हैं. अभी इस टाइप के बैग बहुत ज्यादा ट्रेंड में है तो आप डेफिनेटली इस बैग को भी ट्राई कर सकते हैं. इसे मैंने
बी बैम्सो ब्रांड से ऑर्डर किया है एंड इट्स अ हैंडक्राफ्टेड बैग, सो आप इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं गाइस। एंड इसके लिए आपको ऐसा बैग रखने के लिए कुछ इस टाइप का आपको एक स्मॉल सा ऐसा बैग भी मिल जाएगा जिसमें आप इस बैग को अच्छे से कैरी कर सकते हैं। इसमें की चेन भी आपको मिलेगी एंड एक हैंड रिटर्न आपको एक लेटर भी मिलेगा, सो विच इज अ वेरी गुड थिंग। आप डस्ट इसमें ना लगे इसलिए इस बैग को इसमें इजीली कैरी कर सकते हैं। मुझे ये बैग की क्वालिटी सुपर्ब लगी है गाइस एंड प्राइस वाइज भी ये बैग बहुत अच्छा है। नियर अराउंड मैंने इसको 399 रुपीज में परचेस किया है, सो 399 में तो ये स्टील डील है, आप बिल्कुल विदाउट थिंकिंग ट्वाइस इस बैग में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बैग विच इज दिस ब्लैक टोट बैग, यू कैन सी गाइस कुछ इस टाइप का बैग है ये एंड फ्रंट में यहाँ पे ऐसा प्रिंट किया हुआ है मल्टी कलर से एंड यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट टू इंस्पायर। कैरी करने में गाइस ये बैग सीरियसली बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। इस टाइप के जो बैग है वो मैंने डिफरेंट डिफरेंट साइट में, इवन आई थिंक H&M में मैंने इस टाइप के बैग को देखा था, बट मुझे Amazon में ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा था इसलिए मैंने इस बैग को ऑर्डर किया। यू कैन सी कुछ इस टाइप का ओवरऑल बैग है ये। अंदर से यहाँ पे इसमें काफी अच्छा स्पेस दिया हुआ है, कोई कंपार्टमेंट नहीं है गाइज एंड क्लोजर के लिए भी कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ओनली यहाँ पे ऐसा स्पेस है। स्पेस काफी अच्छा है, इसमें हम काफी ज्यादा स्टफ इसमें कैरी कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, वेजिटेबल शॉपिंग के लिए, या कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ लुक भी अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो भी आप इस टाइप के बैग को कैरी कर सकते हैं। अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है ये बैग। ओनली थिंग विच आई डोंट लाइक अबाउट दिस बैग इज इसका जो मटेरियल है, बहुत ही ज्यादा थिन कॉटन मटेरियल है ये। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये थोड़ा सा थिक मटेरियल होगा, बट ये सीरियसली गाइज बहुत ही ज्यादा थिन है, इवन ट्रांसपेरेंट भी है, तो मैं उतना ज्यादा क्वालिटी से इम्प्रेस नहीं हुई हूँ। बट इसके लिए मैंने ओनली 299 रुपीज पे किए हैं, सो 299 में मैं बहुत ज्यादा क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस बैग। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बैग विच इज दिस हैंड बैग, यू कैन सी गाइज कुछ इस टाइप का हैंड बैग है ये ग्रे कलर में, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बैग है गाइज, सीरियसली आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस बैग। इसकी जो स्ट्रैप्स हैं वो कुछ इस टाइप की है, इसमें ऐसे गोल्डन कलर से स्टाइलिंग की हुई है, गोल्डन कलर की चेन से, ओवरऑल कुछ इस टाइप का इसका पैटर्न है। फ्रंट में यहाँ पे ऐसा इसमें ट्विस्टेड क्लोजर दिया हुआ है, ऐसा ट्विस्टेड क्लोजर है, आप ओपन इसको जैसे ही करेंगे तो अंदर से इसमें कुछ इस टाइप से स्पेस है। इसमें अंदर कोई जिप नहीं है, ओनली सिंगल कंपार्टमेंट ही है। दिखने में ये बैग बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो आप इस बैग में भी बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज प्राइस की अगर हम बात करें गाइस, तो ये ओनली मुझे 350 रुपीज में कॉस्ट किया है। मटेरियल भी इसका अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही लोकल सा लग रहा है, कैरी करने में तो ये काफी अच्छा लग रहा है एंड स्पेशली ये कलर, ये जो कलर होते हैं ये हर किसी के साथ चले जाते हैं, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल है गाइज, आप अपनी च्वाइस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल दी बैग्स जो मैंने Amazon से पिक किए थे, सभी बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस है। अगर आप बैग में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, अफोर्डेबल प्राइस में बैग सर्च कर रहे हैं, तो आप इनमें से कोई भी बैग चूज कर सकते हैं। ये बैग मुझे उतना अच्छा नहीं लगा है, अदरवाइज जितने भी बैग हैं वो सुपर्ब है एंड ये वाला जो बैग है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है बैग की तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया वो बैग। जितने भी बैग्स हैं उन सभी के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो अगर आपको कोई भी बैग अच्छा लग रहा हो आप उनमें से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो गाइस, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। Now we will meet in my next video. Till then, bye bye. Take care.